करेरा विधानसभा के विधायक प्रज्ञा जाटव और सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता किसान उतरे सड़कों पर। आज देश भर में 62 करोड़ किसान मजदूर व 250 से अधिक किसान संगठन इस काले कानून के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। कैमरामैन आशीष भार्गव के साथ राजेश खरे की रिपोर्ट। इसको भारत बंद आह्वान का समर्थन करने बाबत देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि सब कुछ इंतजार कर सकता पर खेती नहीं। अब इसके लिए उन्होंने जो काम बनाया उसके तौर बताया था हमें संघीय ढांचे का उल्लंघन कर संविधान को रोहन कर संसदीय प्रणाली को दरकिनार कर तथा बहुमत के आधार बाहुबली मोदी सरकार ने संसद के अंदर 3 काले कानूनों को जबरन तथा बगैर किसी चर्चा व राय मशवरे के पारित कर लिया है। यहाँ तक कि राज्यसभा में हर संसदीय प्रणाली व प्रजातंत्र को तार तार कर एक काले कानून पारित किए गए। कांग्रेस पार्टी सहित कई राजनीतिक दलों ने मत विभाजन की मांग की जो हमारा संवैधानिक अधिकार है। 62 करोड़ लोगों की जिंदगी से जुड़े काले कानून को संसद के परिसर के अंदर सिक्योरिटी गार्ड लगाकर सांसदों के साथ धक्का मुक्की कर बगैर किसी मत विभाजन के पास कर लिया गया है। जैसे कि पहला अनाज मंडी सब्जी मंडी यानी APMC खत्म करने से कृषि उपज खरीद व्यवस्था पूरी तरह नष्ट हो जाएगी। अगर पूरे देशी कृषि उपज मंडी व्यवस्था ही खत्म हो गई तो इससे सबसे बड़ा नुकसान किसान खेत मजदूर को होगा और सबसे बड़ा फायदा मुट्ठी भर पूंजीपतियों को होगा। दूसरा किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद।